अमिताभ बच्चन जैसे लोग भरवागिरी कर रहे, अनुपम खेर जैसे लोग भरवागिरी कर रहे, अक्षय कुमार जैसे लोग भरवागिरी कर रहे, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे, ये सब फर्जी बाबाओं ने देश को लूट लिया, गौमूत्र 90 रुपए लीटर बेच रहा है, कहाँ है वो कानिया बाबा पौने दो आंख वाला। गंगा साफ करने की बात थी वो क्या हुआ, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की बात थी, उस पर कानून बनाने की बात थी, उसका क्या हुआ। किसानों की आय दुगुनी करने चले थे और किसानों को किरनी निकालने पर लग गए। आप लोगों के हलक में भाजपा की दलाली का पैसा है, भरवागिरी का पैसा है, जो आप आज नहीं बोल रहे। मोदी जी जैसे रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो गंदा नाला में पाइप जोड़ के चूल्हा में जोड़ के चाय बेचते थे, विज्ञान कोमा में है, तो इतने बड़े धुरंधर वैज्ञानिक के रहते हुए गैस के दाम 800 रुपए क्यों है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRB। गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लंबे समय बाद पंकज श्रीवास्तव हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, आप आए थे यहाँ पे धरना देने के लिए, आपका मुद्दा था जो कानून जिसे आप काला बता रहे हैं वो वापसी, लेकिन अब ये मुद्दा चुनाव पे शिफ्ट कर गया क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक भाजपाइयों को बंगाल में हराएंगे नहीं तब तक किसानों की जीत नहीं होगी। आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी से, राजनीति से किसानों को बचना चाहिए? अरे सुनिए ना, आप काहे के भरवागिरी कर रहे हैं भाजपा की सेल की तरह। मेरा सवाल है उन जालिम दरिंदे भरवे पत्रकारों से जो भाजपा की सुपारी लेता है, जो भाजपा के नफरत फैलाने का ठेका लेता है देश में। आज एक बात बताइए, CNRC आंदोलन आपने देखा होगा, CNRC के बाद जिस बाहरी लोगों को बाहर भेजने का काम बात की जा रही थी, आपने भारतीय जनता पार्टी के मुंबई उत्तरी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नेता हैं रूबेल शेख, कौन है गोपाल सेट्टी भाजपा के सांसद के साथ उनका संबंध था। आप पमला गोस्वामी पर आइए, अर्णव गोस्वामी जैसे द कौरी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, भरवे पत्रकार, अवारा कुत्ते की तरह ड्रग दो कहता रहता है। 100 ग्राम कोकीन जो 90 लाख रुपए कीमत की कोकीन लेकर आ रहा था, कार्रवाई होगा कार्रवाई। अरे सुनिए ना, कहे की कार्रवाई महाराज, आप लोग भरवागिरी करते हैं शर्म नहीं आता? आप लोग सारा दिन बैठ कर भाजपा की दलाली करते हैं, ठेका लेते हैं। आप एक बात बताइए, हथियारों का तस्कर श्रीनगर में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ता है, कोई कोकीन का ड्रग्स का सप्लायर तो भाजपा का नेता होता है, कौन है किस कैलाश विजयवर्गीय है? आप पहले बात समझिए, एक वहां के स्थानीय कर्मचारी को मारा, उसका बेटा आकाश विजयवर्गीय है, बेटा बल्ला लेके घूमता है, बाप जूता लेके घूमता है, और उसका आदमी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, जो राकेश सिंह कैलाश विजयवर्गीय का सहयोगी था, उस पर सीधा सीधा आरोप पामला गोस्वामी ने लगाया। दूसरी बात, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की ISI को भेजता था, ये सारे तार आप देखिएगा कहीं ना कहीं सारे भाजपा नेताओं से क्यों जुड़ता है। देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है तो भाजपा के नेता, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, या बंदाइयों की घटना हो, चाहे वो भाजपाई हो या कांग्रेसी हो या कोई भी हो, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। आप जैसे भरवे पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ठेका ले लिया भाजपा सरकार की, जाति धर्म और भाषा और प्रांत में बांट कर आप लोग देश बेचते रहे। आप देखिए पूरे विश्व में भारत का स्थान 114वां है, आप लोगों के हलक में भाजपा की दलाली का पैसा है, भरवागिरी का पैसा है, जो आप आज नहीं बोल रहे। सब पे आरोप मत लगाइए, रहिए। अमिताभ बच्चन जैसे लोग भरवागिरी कर रहे, अनुपम खेर जैसे लोग भरवागिरी कर रहे, अक्षय कुमार जैसे लोग भरवागिरी कर रहे। जो अक्षय कुमार कहता था साइकिल निकाल लेनी चाहिए, जो अमिताभ बच्चन जी गाड़ी पर तेल छिड़क के जलाने की बात कह रहे थे, आज पेट्रोलियम पदार्थों के दाम देश में कैसे हो गए? आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप उस पर डिबेट नहीं कराते? आप जैसे पत्रकारों ने और संदीप पात्रा जैसे लोगों ने देश का बेरा, संदीप पात्रा कहते मेरा बाप है, तो संदीप पात्रा का ना बाप होगा जो हराम का खाता था। आप समझिए जो गुजरात, अच्छा राष्ट्रीय में पंकज श्रीवास्तव 100 रुपए तेल लेने में क्या दिक्कत है इनको? पंकज श्रीवास्तव को राष्ट्रीय में क्या? मनमोहन सिंह जी की सरकार में 350 रुपए का सिलेंडर राष्ट्रीय में नहीं था, उस समय हैंडपंप लगा था। मोदी जी वाला, जब मोदी जी जैसे रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो गंदा नाला में पाइप जोड़ के चूल्हा में जोड़ के चाय बेचते थे, विज्ञान कोमा में है, तो इतने बड़े धुरंधर वैज्ञानिक के रहते हुए गैस के दाम 800 रुपए क्यों है?
आप बताइए। अरे वो तो कह रहे हैं कि पुरानी कांग्रेस की सरकार की नाकामी की वजह से, उनकी नीति की वजह से इस तरह का मामला हुआ, पेट्रोल भर गया। आप सुनिए ना, आप छोड़ ना दीजिए, कांग्रेस की नीति पर ही छोड़ दीजिए। अच्छा। हमको पुराने भारत में पहुंचा दीजिए, जहां हमें 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जहां हमें 60 रुपए का पेट्रोल मिलता था। कहां है वो कानिया बाबा पौने दो आंख वाला करते करते? अभी भी है वो, अभी भी है वो, कह रहे हैं। आप लोग पत्रकार काहे काहे भैया, 200 करोड़ रुपया प्रति गांव को मिलने की बात थी, अमेरिका और ब्रिटेन से गांव को आगे ले जाने की बात थी, 20 से 25 रुपए का पेट्रोल डीजल मिलने की बात थी ना? तो मिल रहा है, कहाँ है बाबा रामदेव? पछवाड़ा से बोला था, कहाँ से बोला था? दिन के हरे हरे रात के घरे घरे, ये सब फर्जी बाबाओं ने देश को लूट लिया। गौमूत्र 90 रुपए लीटर बेच रहा है और किसानों पर आया है देने या महंगाई पर, कहाँ है? वो तो कह रहे 100 रुपया गर्व से दीजिए आप, देश की देश में दे रहे हैं। राफेल आएगा देश में, आप टैक्स दीजिएगा तब तो राफेल आएगा। आप जैसे पत्रकार, बाबा रामदेव जैसे ठग, लाला रामदेव जैसे, अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी, अक्षय कुमार जैसे लोग, नहीं तो देश का भट्टा बिठा दिया ना, नहीं तो हमारा भारत जहाँ टिकटों के दाम कम होते थे, आप समझिए सोने की चिड़िया नहीं हाथी, जहाँ जनरल रेलवे में टिकटों के दाम कम हो रहे थे, हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा था, जहाँ निर्भया कांड के बाद जो फंड बनाया गया, कानूने ये की गई, भाजपा के नेता लगातार बलात्कार करते रहे। आप बगल में देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जिस राम राज्य की बात की जाती, ये लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, रावण राज वाले लोग हैं। अगर बलात्कारी मिले तो भाजपा के लोग, हथियारों का सप्लायर भाजपा के लोग, ड्रग्स और कोकीन का सप्लायर भाजपा का लोग, कहीं आतंकवादी घटना हो तो भाजपा का लोग, तो ये लोग का देश लूटने के लिए देश फिर हुई बात। पंकज श्रीवास्तव मौजूदा हाल पे बात कर लेते हैं, आपको लगता है किसानों को राजनीति से बचना चाहिए बंगाल जैसे जाने की, और भाजपा के उम्मीदवार को हराने की बात नहीं करनी चाहिए? हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे या राजतंत्र में जी रहे, आप बताइए। जिस देश की भोली भाली किसानों ने, देश की जनता ने प्रधानमंत्री के लगातार जुमलों पर, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, किसानों की आय दो, एक बात बताइए, पत्रकारिता करते हैं आप लोगों को शर्म नहीं आती? किसानों की आय दोगुनी कब होगी? जब पेट्रोलियम पदार्थों के डीजल और पेट्रोल गैस के दाम कम होंगे। एक बात बताइए, आप समझिए, पहले 60 रुपए मिलता था, अब 100 रुपए हो गया। आप समझिए, पहले 40 से 50 रुपए डीजल मिलते थे, अब 90 रुपए के आसपास हो गया। तो हम धीरे धीरे गरीब होंगे या अमीर होंगे, आप हमको समझा दीजिए। आप तो वही बात कह दिए ना, जसोदा बेन जी वाले बात हो गई, ये कृषि कानून है ना, वो कुमारी है ना, वो सुहागन है और ना ही वो विधवा है, तो कृषि कानून भी वही हो जाएगा मोदी जी की नजर में। एक भी बात मोदी जी का आपको, आप लोगों को शर्म कभी आपने दिखाया? प्रधानमंत्री बनारस से लड़ते हैं, बनारस लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ जो गोद गांव लिया था, प्रधानमंत्री जी का नारा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, वहाँ पंचायत चुनाव में प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार हार गई, इससे शर्मनाक बात होता है क्या? आप लोग उसको नहीं दिखाइएगा। पंजाब में चुनावों पर क्या असर पड़ा नहीं बताइएगा? तो क्या किसान आंदोलन का असर था पंजाब में? आपका असर था, आप जैसे भरवे लोग ना तबला बजा रहे थे वहाँ पर, मुजरा गा रहे थे, हिम्मत है दिखाइए ना, कहा नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं? हमारे ही घर के लोग अधिकारी वर्ग के होते हैं। पर्सनल क्यों चले जाते हैं पंकज? पर्सनल क्यों जाते? पर्सनल मत जाइए। फिर सुनिए, पत्रकारिता करते हैं, जमीर जिंदा है, अगर रोटी खाते हैं तो उन कुत्तों से सीखिए, जिस मालिक का कुत्ता रोटी खाता है उसके सामने ऐसे से चलता है करता है। आप लोग तो सही बत्तर हैं, आप लोग तो कभी सवाल नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपके आदर्श गांव का क्या हुआ, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने का सपना क्या हुआ, गंगा साफ करने की बात थी वो क्या हुआ, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की बात थी, उस पर कानून बनाने की बात थी उसका क्या हुआ, किसानों की आय दुगुनी करने चले थे और किसानों को किरणी निकालने पर लग गए, उसका क्या हुआ? आप समझ, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, इतना दिन देखे, थोड़ा भरोसा कर लीजिए, एक दो साल रुक जाए, देखते देखते 6 साल हो गया। आप लोग बेशरम, आप जैसे पत्र, आपको हिम्मत है, आपने माँ का दूध पिया, प्रधानमंत्री से सवाल करो कि डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जो 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली चुनाव में से पहले आ रहा था। आपने सवाल किया पामला गोस्वामी का, कभी डिबेट चलाया, कभी आपने ये पूछा डिबेट में कि कैलाश विजय वर्गीय का सहयोगी राकेश सिंह पर सीधा सीधा आरोप जाता है, कैलाश विजय वर्गीय का सहयोगी ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को खुफिया जानकारी देता है,
भाजपा का नेता तारिक जो श्रीनगर में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा, हथियारों का सौदागर था, क्या उस पर कार्रवाई हुई? दिल्ली दंगों में जो जानबूझकर स्क्रिप्ट लिखा गया, दिल्ली दंगे कराए गए, क्या उन लोगों पर कार्रवाई हुई? पंकज श्रीवास्तव, सीधा पंकज श्रीवास्तव सीधा सवाल, आपको कानून वापस लेने से मतलब है या आप भी आंदोलनजीवी हैं? प्रधानमंत्री ने शब्द, अरे भैया प्रधानमंत्री जी खुद भाषण जीवी है, फेकू मनोरंजन बैंक का जो ब्लैंक चेक दिया था हिंदुस्तान की जनता को 15 से 20 लाख रुपए का, वो आज तक चेक नहीं क्लियर हुआ, बाउंस हो गया, हम तो यूं ही बोल देते हैं। आप समझिए किसानों की लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी। देखिए जब तक सांस चल रही है, हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई सड़कों पर लगातार इस आंदोलन के विरोध में रहेंगे। कानून वापसी, घर वापसी। पंकज श्रीवास्तव से हम बातचीत कर रहे हैं सीधा। किसानों का ये कहना है कि जब तक कानून जिसे वो काला बता रहे हैं वो वापस नहीं होता है तो घर वापसी संभव नहीं है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।